हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आने वाली है होली और ऐसा कोई त्यौहार हो ही नहीं सकता जिस पे कुछ मीठा ना बनाया जाए। तो होली में हमारे घर के अंदर बनाया जाता है दाल का हलवा, मूंग दाल का हलवा, जो कि बहुत ही कंपलसरी है होली पे बनाना। लेकिन बहुत लोगों को ये काफ़ी टफ लगता है बनाना, क्योंकि हाँ आटे का, सूजी का तो हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन मूंग दाल का हलवे का थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा, बैठेगा या नहीं बैठेगा, इतनी मेहनत करने के बाद कहीं बेकार ना हो जाए। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मूंग दाल का हलवा बनाया जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका मूंग दाल का हलवा फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही शानदार बनेगा। तो चलिए, इंट्रो बहुत हो गया, लगते हैं थोड़ी मेहनत के अंदर कम। तो यहाँ पर ये एक कटोरी मैंने मूंग दाल ली है, इसको आपको अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लेना है पानी से और फिर कुछ आवर्स के लिए इसको भिगा देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी ये एक कटोरी दाल ली थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अराउंड 5 to 6 आवर्स मैंने इसे भिगो दिया था। और अब आप देखिए अच्छे से फूल चुकी है और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। और यहाँ पे सेम मैंने एक कटोरी यहाँ पे आमंड्स ले लिए थे, बादाम, और इनको भी मैंने ओवरनाइट अच्छे से भिगो दिए थे। अगर ओवरनाइट ना हो सके तो आप गर्म पानी में इन्हें भी 5 से 6 घंटे तक भिगा दीजिए। और अब हम बस इनका पानी जो है दाल का वो अच्छे से मैं यहाँ पे स्ट्रेन कर लूँगी। दाल का पानी निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा भी इसमें पानी रहता है तो घी भी बहुत ज़्यादा लगता है जब आप हलवा बनाते हैं, और साथ के अंदर इसको सेकना भी मतलब और भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि दाल अच्छे से इसका सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर जो आमंड्स हैं उनके भी मैं छिलके हटा लूँगी। तो ये मैं इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मावा यूज़ नहीं करूँगी इस हलवे के अंदर, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी मिक्स तरह का मावा आता है, तो मैं घर पर ही एक आलमंड का इसमें पेस्ट बना लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप मावा यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा पर है कि आप आलमंड डाल भी सकते हैं या इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसको डालने से दाल का हलवा और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी एक्सेस वाटर था दाल में वो निकल चुका है, और अब इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। पर ध्यान रखिए आमंड और जो दाल है उनको हमें अलग अलग पीसना है, साथ में मिक्स करके नहीं पीसना है। और पीसते वक्त अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ये ड्राई लग रही है तो आप छोटा 1 या 2 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं, और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, न बहुत ज़्यादा रनी और न बहुत ज़्यादा थिक। और अब हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे जो कि हैवी बॉटम हो, ताकि जो हम हलवा बनाते वक्त कढ़ाई के तले पर बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने 1 कटोरी घी डाला है, क्योंकि हमने 1 कटोरी दाल ली थी तो हम घी भी 1 कटोरी ही लेंगे। और यहाँ पे एक छोटी वाली चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन ले लिया है। तो सबसे पहले इस घी के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए मैं ये बेसन को भून लूँगी। ये हम इसलिए करते हैं ताकि दाल जो है वो बहुत आसानी से सिक सके, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। और 1 से 2 मिनट के बाद अब इसके अंदर ये जो दाल हमने पीसी थी वो हम इसमें डाल देंगे। जो गैस का फ्लेम है वो हमें मीडियम लो ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है। और धीरे धीरे ये देखिए दाल को हम चलाते रहेंगे, और ये दाल आप कुछ ही देर में देखेंगे सारे घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। बस आपको जो चम्मच है वो लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी चिपक जाता है या इसके अंदर गठाने सी बन जाती है। तो आप लगातार चलाते रहिए, गैस का फ्लेम मीडियम अपने को रखना है। और यहाँ पे ये देखिए सारा का सारा घी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, आपको और घी ऐड नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सिकने के बाद दाल अपने आप घी वापस रिलीज़ कर देती है। तो मेजरमेंट का आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप इसके अंदर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये देखिए धीरे धीरे इसका दाल का कलर टेक्सचर आपको अलग होता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे देखिए आफ्टर 15-20 मिनट्स ये देखिए दाल ने जो घी है वो घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, और इसका टेक्सचर भी थोड़ा अलग आ गया है। हमें लगातार चलाते रहना है इसे, और इसका कलर हमें लेके आना है जो बादामी कलर होता है, आमंड की स्किन का जो लाइट ब्राउन जो कलर होता है वो हमें चाहिए। और इसी स्टेज पे हम दाल को हमें सेकते रहना है बिल्कुल भी। और यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये आमंड का पेस्ट,
क्योंकि दाल मेरी अच्छे से सिक गई है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है क्योंकि दाल ऑलरेडी काफ़ी गर्म है। अगर आप यहाँ पे मावा यूज़ करते हैं तो आपको सेम यही करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इस स्टेज पे आपको यहाँ पे मावा भी कस के अच्छे से और डाल देना है। ये सेम ही टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे मैंने अब साथ में मैं बना रही हूँ चाशनी। तो यहाँ पे एक कटोरी के अंदर मैंने ये दो कटोरी, सेम कटोरी आपको मेजरमेंट रखनी है, जो भी आप जिस मेजरमेंट में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कटोरी पानी ले लिया और उसके अंदर एक कटोरी मैंने चीनी डाल दिया। तो मेजरमेंट बहुत सिंपल है, एक कटोरी दाल, एक कटोरी घी, एक कटोरी चीनी और दो कटोरी पानी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये फूड कलर ऐड करूँगी। अगेन ये ऑप्शनल है, इससे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कलर, लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। थोड़े से इसके अंदर ये मैं केसर के अच्छे भी डाल दूँगी और यहाँ पे इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ये इलायची पाउडर। हमें कोई भी थ्रेड वाली यहाँ पे कंसिस्टेंसी की चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट 5 से 10 मिनट हमें बॉईल करना है ये वाटर, ताकि चीनी अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ये देखिए। और कोई भी हमें तार की ये चाशनी नहीं बनानी होती है। तो वहाँ पर मेरी चाशनी 5 से 10 मिनट पक रही है, जब तक गैस हमने बंद कर दिया था हम वापस चालू करेंगे। और ये जो हलवा था ये देखिए इस तरह का हो गया है, क्योंकि मिक्स होने के बाद पूरा घी अब अगेन एब्जॉर्ब हो गया है। घी आपको ऐड नहीं करना है, जो हमने स्टार्टिंग में डाला था बस वही घी रखना है। और अब हम इस हलवे को वापस थोड़ा वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो गया था मिक्स होने के बाद। तो चाशनी कभी भी ठंडे हलवे में नहीं डालनी है, ये देखिए वार्म हो गया था अच्छे से। और अब ये सारी चाशनी हम इसके अंदर डाल देंगे। इस स्टेज पे चाहते हैं तो आप गैस का फ्लेम फुल कर सकते हैं और एक ही वे के अंदर इसको आपको जल्दी जल्दी ये पूरा चम्मच इस तरह से चलाते रहना है, ताकि जो भी पानी है जो हमने चाशनी डाली है वो इस हलवे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए हलवे का कलर ही एकदम अलग आ गया है चाशनी डालते ही। इसको लगातार आपको चलाते रहना है जब तक कि ये देखिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना, सारा पानी है जो सारा चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। और यहाँ पे हलवे ने धीरे धीरे से कढ़ाई भी छोड़ना शुरू कर दिया है, बस आपको लगातार चलाते रहना है। और ये लास्ट के अंदर एक मैंने ये छोटा चम्मच वापस घी का डाला है, ताकि हलवे के ऊपर एक अच्छी सी शाइन आ जाए, घी की अच्छी सी चमक आ जाए। ये देखिए जैसे ही आपने डाला है आपके हलवे की एकदम चमक ही बदल जाएगी और ये हलवा आपका ऑलमोस्ट एकदम रेडी है। बस 2 से 5 मिनट में यहाँ पे और चलाऊंगी। और ये देखिए हमारा जो मूंग दाल का हलवा है एकदम तैयार है। और अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक दूसरे बर्तन के अंदर। और इस हलवे को आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपको खाना है आप थोड़ा सा लेके माइक्रोवेव कर लीजिए या गैस पर ही गर्म कर लीजिए हल्के दूध डाल के। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई मेरी एकदम साफ़ हो गई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं चिपका है। और आपके सामने ये देखिए हलवा एकदम मेरा तैयार है। इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर इसके ऊपर खूब सारे बादाम, कतरन, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है इसके ऊपर खूब सारी डाल के और आप आराम से सर्व कीजिए और खाइए। कितना प्यारा कलर और टेक्स्चर आया है। तो इस त्यौहार बनाइए ये मूंग दाल का हलवा और घर वालों और रिश्तेदारों सबको कर दीजिए अपनी कुकिंग से इम्प्रेस। और इसकी फोटोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना बिल्कुल ना भूलेगा और मुझे टैग तो डेफिनेटली करना है। तो चलिए मैं करती हूँ अपने मूंग दाल का हलवा इंजॉय। तब तक आप डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।